हाँ, आप सभी का संध्याकालीन समय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूर्यास्त का समय आप देखिए, विहंगम दृश्य हम नदी का दिखा रहे हैं। ये नदी जो चौंगिया ग्राम से चल रही है, चौंगिया की नदी है, बहुत ही वेग में चल रही है। आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये देखिए, लोग उस पार खड़े हैं गांव में, हम इस ओर खड़े हैं और नदी बहुत ही तेज़ तीव्र गति से चल रही है। ये देखिए, ये इस नदी जो देवरिया और चाउंडिया का संपर्क टूट चुका है। पूरे सेंचा हमारे साथ खड़े हैं अधिवक्ता श्री रामलाल जी देवस साहब। आप बताइए रामलाल जी। ये बहुत ही खुशी की बात है साथियों कि तुमसे जब देखो ये नदी एक महीने चलेगी तो अपने देवरिया बाटवा चाउंडिया आगेवा सभी गांवों के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होगा। ऐसी नदी मेरे को लग रहा है कि 3 साल पहले आई थी, पर ऐसी नदी नहीं आई जो 2011 में आई थी। हाँ आई थी 3 साल पहले, लेकिन ये क्या है कि जो वेग आज चल रहा है ना, वो वेग इतने दिनों पहले इतना नहीं था। ये नदी दोस्तों बता दें हम आपको कि कम से कम 15-20 दिन चलने वाली है, क्योंकि जो रायपुर बांध के पीछे जो मेघड़दा है, कालो कल्ला है और एक नदी है, तीनों नदी वहाँ बहुत तीव्र वेग से चल रही है। लेकिन एक दुख की बात भी है, यहाँ कुशालपुरा का एक व्यक्ति था जो बह के चला, हमारे सीरी साहब जो थे झगड़ा राम जी, वो बह गए थे। और इसमें इस रपट से बता दूं कि 2 आदमी बह गए थे, जिसकी एक की सुसाइड रेस्क्यू हो चुकी है और एक रेस्क्यू करके बचा लिया गया है जो इसी गांव का था। ये एक दुख की बात है इस नदी में, क्योंकि हम सावधान नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबको पता है कि नदी तीव्र नदी में नहीं जाना चाहिए, पर कोई सुनता नहीं है। नमस्कार के बाबूलाल जी चौधरी साहब, आपका स्वागत है। ये जो हम नदी बता रहे हैं, मैं तो आज पहली बार, 2 दिन हो गए हैं पर आज आया हूँ नदी देखने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी दोस्तों, और बारिश होने के कारण हम यहाँ बाहर घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब आज थोड़ा मौसम साफ हुआ है, तो ये तो सूर्य भगवान दिख रहे हैं आपको। मनोहर सिंह जी हम्बर्ड, आपका स्वागत है मनोहर सिंह जी। ये नदी चलती है, हम आपको बता दें, रायपुर दीपावास से लगाकर बिलाड़ा तक, उसके बाद में वो नहर का रूप ले लेती है, फिर नहर में होके वो आगे नया गांव होकर सदा सम्बन्ध तक चलती है। और ये नदी देखो तीव्र है, एक विहंगम दृश्य बता रहा हूँ दोस्तों आपको। सूर्यास्त का समय है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, हमारे मनमोहक नज़ारे हैं दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपने मुझे मैं आपको बताई देना चाहता हूँ कि जो कल मैंने वीडियो डाला था, उस लोगों ने कम से कम 150 लोगों ने शेयर किया है, ओनली 150 लोगों ने, 1000 लोगों के पास मेरा वो वीडियो पहुँचा है। कल्याण सिंह जी, चोई साहब, सुरेश राठौड़, पटेल केनाराम, आप सभी का स्वागत है। ये देखिए बिल्कुल गौतम चौधरी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये एक तो जेतारण से चौंजिया वाली रोड है, वहाँ रपट पे नहीं हूँ मैं, उसके बाद में एक रपट आती है देवरिया से चौंजिया, उस रपट पे खड़ा हूँ और यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे भी नदी चल रही है, हम यहाँ शांति वातावरण में खड़े हैं। ये देखिए विहंगम, बहुत ही सुहावना दूर दूर तक। ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं हम, इसका वेग आगे बहुत तेज चल रहा है, लेकिन हम वहाँ उस वेग तक पहुँच नहीं रहे, क्योंकि आगे वहाँ रिस्क है, बहुत ज़्यादा वेग चल रहा है इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। वो देखो आगे महिलाएं खड़ी है, जो आपको दिखती होगी, मैं देखो आपको जूम करके बताता हूँ, रामलाल जी बता रहे हैं यहाँ उधर चाउंडे की औरत है और इधर ये हम देवरिया की औरत है, देवरिया वाले खड़े हैं। बीच में संपर्क सड़क भी टूट चुकी है, संपर्क भी टूट चुका है, दोनों मायनों में एक ही बात है। और ये लमसम 10-15 दिन तक चलने वाला है,
तो वहाँ से जो जेतारण से चौंगिया और रामपुरा चंजावल जाने वाली रोड वो भी ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ पर भी ये ब्लॉक हो चुकी है। और जो हमारे साथीगण जुड़े हैं उनका सभी का नमस्कार। ओके दोस्तों, फिर चलते हैं, हम और दिखाएंगे हम आपको कल। ये हमारे खेत की तरफ, मैंने पहले बताया था, ये हमारे खेत में जाती है और आगे इस आगे पाटवा देवरी आता है, देवरी के बाद में पाटवा आता है, पाटवा के बाद में आपको पता ही है। आपको बता दें दोस्तों कि इस नदी के ये जो भी जो विशाल रूप लेती है वो चौंडिया और देवरिया पाटवा तक ये अपना विशाल रूप ले लेती है, जो चौड़ी नदी हो जाती है। तीन तीन जगह अपना अपना अलग अलग रास्तों से जाती है और आपको सबसे बढ़िया ये मैं बता रहा हूँ नज़ारा जो यहाँ पे भी खूब जोड़ी है।